नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कार्रवाई सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मनी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6288 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 6318 का ही लगा चुका है। मामूली सी करेक्शन कैसे सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज भी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6200 पर सस्टेन होकर चल रहा है, जिस और एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कैसे सीड की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें यहाँ से अगर चने की, तो चने का अक्टूबर वायदा देखने की आज भी 5200 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आज लगातार तीसरे दिन चने की कीमतों में 5200 पर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है। बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल का सितंबर वायदा देख रहे हैं 2361 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसदी की गिरावट के साथ। वहीं से बात करें दिसंबर वायदे की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा 2432 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और दिसंबर वायदे के अंदर भी आधे फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें यहाँ से अगर धनिया की, तो धनिया का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 7866 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 7938 का ही लगा चुका है, 1% की गिरावट है। बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 14440 पर कारोबार कर रहा है, 2.25% की गिरावट आज जीरे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है शाम की कार्रवाई सत्र में। यहीं से बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 7322 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 2.5% की गिरावट आज हल्दी के भी अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि हल्दी की जो कीमतें हैं वो लगातार टूटती हुई नजर आ रही है। तो आज शाम के कार्रवाई सत्र में किस कृषि फसल के अंदर क्या कर चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम सीवी पर। अनुज जी, सबसे पहले आपसे कैसे सीड के ऊपर बात करना चाहूंगा। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीड का अक्टूबर वायदा आज भी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 6200 के ऊपर सस्टेनों के चल रहा है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से 6200 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है, तो क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में नए लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो निर्यात मांग है वो अच्छी बनी हुई है और अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों से लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। हमें लगता है कि कैस्टर में आने वाले समय में भाव ऊपर की तरफ रह सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से हमने रिकवरी देखी है और निर्यात मांग बढ़ती हुई देखी है, हमें लगता है कैस्टर में आगे तेजी का रुख रहेगा और एक्सपेक्टेड है अगर हम 1 या 2 महीने का ओवरव्यू लें तो 6600 से लेकर 6800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग है, हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। जी, तो यानी कि निर्यात मांग अभी भी तेजी देखने को मिल रही है, निर्यात मांग के अंदर काफी अच्छी खासी फंडामेंटल्स मजबूत भी बनते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कैसे की जो डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है और कैसे में 6800 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये सनु जी, बात करें अगर चने की, तो चना देखने की अक्टूबर वायदा आज भी 5200 पर सस्टेन होकर चल रहा है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से चने का प्रोडक्शन को लेकर टकरार हो रही है कारोबारियों में, मिलरों में, कि चने का प्रोडक्शन कोई कम तो कोई ज्यादा बता रहा है और ऊपर से त्योहारी मांग, तो ऐसे में चने की कीमतें आगे तेजी की तरफ रहेंगे या मंदी की तरफ? देखिए, यहाँ पे त्योहारी मांग तो है ही, मगर हमने जो मॉनसून में रिकवरी देखी है उससे ये देखने में आ रहा है कि जो पल्सीज हैं उनका जो सोइंग है वो काफी अच्छी देखने को मिली है और आगे हमें ये लग रहा है कि जो पैदावार है आने वाली क्रॉप की वो अच्छी हो सकती है। तो बाकी दालों में हमें लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो नो डाउट, क्योंकि भारत में अगर देखें तो इस बार हमने यहाँ पर आयात भी किया है दालों को, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड है चने के भावों में हम कुछ नरमी ही देखेंगे, एक्सपेक्टेड है नीचे भाव एक्सपेक्टेड है कि 5000 रुपए तक लेवल जा सकता है, तो चने के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड रखना चाहिए। जी, तो यानी कि चने का प्रोडक्शन ठीक ठाक भी देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है उसकी वजह से सोइंग भी ठीक ठाक देखने को मिली है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नेक्स्ट क्रॉप होगी, जो अगली फसल होगी दाल दलहनों की, उसमें वो भी अच्छी देखने को मिल पाएगी, जिसकी वजह से चने के ऊपर एक बिकवाली का दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है और अनुज जी के मुताबिक चना नीचे में 5000 तक का लेवल दिखा सकता है, तो बिकवाली करके चने में उनके अनुसार चल सकते हैं। ये से अनुज जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल भी देख रहे हैं कि आज एक नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, बिनौला खल में अब क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, बिनौला खल के रेट काफी निचले स्तरों पर आए हैं, हमें लगता है कि अभी कुछ और यहाँ पर प्रेशर रहेगा, क्योंकि देखिए जो डिमांड है बिनौला खल की वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है, उसका काफी अच्छा असर हमने भावों पे देखा और भाव नीचे की तरफ मूव करते हुए दिखाई दिए हैं। वैश्विक स्तर की अगर बात करें तो वहां पर भी हमने कॉटन के भावों में
नरमी देखी है, क्योंकि कॉटन की जो अराइवल है वो मंडियों में कंटिन्यूस बनी हुई है। हमें लगता है कि कल के अंदर कॉटन सीड ऑयल केक में आने वाले समय में नरमी का रुख रहेगा। एक्सपेक्टेड है नीचे भाव 2200 रुपए तक आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी खरीदारी से बचें, अभी फिलहाल में 100 से 150 की नरमी और देखने को मिल सकती है। जी ये सनु जी, बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं कि हल्दी आज 7300 का लेवल टच कर चुकी है नीचे में। आपको क्या लगता है अब जिस हिसाब से आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन मसालों में गिरावट बनती हुई नजर आ रही है, करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है, तो क्या ये आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी कंटिन्यू रह सकती है या फिर वहां से खरीदारी निकलेगी त्योहारी मांग को देखते हुए? देखिए मसालों में त्योहारी मांग का काफी सपोर्ट रहता है और मुझे लगता है कि जो अब त्योहारी मांग है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमने देखा है कि ऐसा त्योहार अभी पड़ रहे हैं जो पूर्णतः लॉकडाउन से बाहर निकल चुके हैं, तो डिमांड हम इस बार मान के अच्छी चल रहे हैं। त्योहारी मांग और साथ में होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से भी अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है, साथ में एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पे काफी अच्छी आती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि हल्दी के अंदर आने वाले समय में भाव तेज रहेंगे, हालांकि भावों में कुछ नरमी हम अभी करंट भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जो ये लोअर लेवल्स आएंगे यहाँ पर खरीदारी का ट्रेंड रखना चाहिए। अगेन जो हम लेवल प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2 या 3 महीनों में हम दोबारा से 8000 से ऊपर तक के लेवल यहाँ पे देख सकते हैं, तो हल्दी में और बाकी मसालों पर खरीदारी का ट्रेंड रखना चाहिए। जो भी लोअर लेवल मिले वहाँ खरीदारी का ट्रेंड बना के चल सकते हैं। जी ये सनो जी, देख रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स भी आज टूटता हुआ नजर आ रहा है। ग्वार गम 5% का लोअर सर्किट लगा चुका है, वहीं ग्वार सीड के अंदर भी 4% से ऊपर का सर्किट लोअर सर्किट लग चुका है और 5800 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है ग्वार सीड का वादा बाजार। तनु जी अब आपको क्या लगता है, क्या ग्वार गम और ग्वार सीड की एक रेंज सेट हो चुकी है कि 9000 और गम में 9000 के घरों में और फिर ग्वार सीड 5800 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आएगा और ऊपर में 10000 और 6200? देखिए ग्वार में हमने गिरावट आते हुए देखी है, मगर ये जो लोअर लेवल से यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखे तो इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है और अगर हम देखें तो भाव उस स्तर से ऑलमोस्ट नीचे करीबन 1000 रुपए की करेक्शन ले चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक टेक्निकल बाइंग यहाँ पर आ सकती है और एक खरीदारी का मौका यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि यहाँ पर ग्वार में खरीदारी करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में भाव 6200 तक 6300 तक के लेवल ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हम देखेंगे आने वाले समय जब आवक स्टार्ट होगी तो कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, मगर तब तक फिलहाल हमें लगता है कि छोटी अवधि में एक बाउंस बैक भावों में आ सकता है। इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ देखने को मिली है और साथ में जो क्रूड के भावों में तेजी रही है उससे भी थोड़ा सा असर भावों को मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड वेरी शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहिए। 6200 तक के लेवल ग्वार शीट में देखने को मिल सकते हैं। जी तो यानी कि छोटी अवधि के लिए ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक टेक्निकल खरीदारी निकल के सामने आ सकती है, तो उस छोटी अवधि के लिए ग्वार की कीमतों में खरीदारी करके चला जा सकता है। ये सनु जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की तो आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरसों सबसे बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आई है इस बार कंसिस्टेंसी के साथ एक अच्छी तेजी के साथ बिना ओवरबॉट हुए, तो आपको क्या लगता है सरसों के लेवल्स क्या आने वाले दिनों में 9000 के भी पार जाते हुए नजर आ पाएंगे? देखिए सरसों में भी हम एक तेजी मान चल रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से हमने आने वाले समय में एक डिमांड हम मान के चल रहे हैं फेस्टिवल सीजन, तो उससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हमने देखा है कि जो भाव है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा करेक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, हमने पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी सी नरमी यहाँ पर आती हुई देखी है, तो फिलहाल एक सेलिंग प्रेशर भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। हमें लगता है कि अभी फिलहाल खरीदारी नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। एक बार भाव हम लगता है कि 8200 तक के लेवल देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्शन यहाँ पर अभी हम करंट ट्रेड से देख रहे हैं। 200-300 रुपए की देखी जा सकती है, मंडियों के अंदर आवक बनी हुई है जिससे भाव नरम देखने को मिल रहे हैं। जी ये सर मुझे बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है, देख रहे हैं कि 6200 का जो एक सपोर्ट लेवल है आज भी वो सस्टेन होकर चल रही है सोयाबीन, उस पर सोयाबीन के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम नरमी का रुख मान के चल रहे हैं, क्योंकि इस बार देखें तो एमपी के अंदर और जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वहां पे हमने अच्छी क्रॉप देखी है और जो क्रॉप साइज है वो पहले से बेहतर यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी मानसून में बढ़ोतरी बनते हुए देखी है, मानसून में रिकवरी देखी है, उससे काफी हद तक सोयाबीन को इफेक्ट रहा है और सोयाबीन की क्रॉप पहले के मुताबिक होती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि उससे भावों में एक पॉजिटिव असर रहेगा और भावों में हम एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखेंगे। मंडियों के अंदर आवक बढ़ती हुई दिखाई देगी, पैदावार बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो उससे भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो एडिबल ऑयल अगर हम पूरे ही एडिबल ऑयल पैक की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में एडिबल ऑयल पैक में कुछ नरमी का ही रुख बना रहे, तो पर्टिकुलर सोयाबीन के अंदर भी हमें लगता है कि बिकाली के साथ ट्रेड कर सकते हैं।
नीचे हम लगता है कि 5,700 5,800 तक के लेवल सोयाबीन में देखने को मिल सकते हैं जी। तो यानी कि खाद्य तेलों के अंदर में आने वाले कुछ दिनों तक खाद्य तेलों का जो रुझान है वो नरमी के साथ देखने को मिल सकता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में अनुज के मुताबिक 5,700 से 5,800 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो बिकवाली करके चला जा सकता है। अनुज जानना चाहेंगे वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिनके अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है और अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर खरीदारी करें, ऊपर में आपको 6,100 6,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ में सोयाबीन के अंदर बिकवाली कर सकते हैं, नीचे हमें लगता है 6,150 6,100 तक के लेवल अगले हफ्ते के लिए देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वार में खरीदारी और सोयाबीन में बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। फिलहाल बाजारों की चाल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।